नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं चांदनी लेडी जोन बंगाल वाली मेरी जान लेटी हुई है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, मतलब पेट में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। जैसे ऑपरेशन से पहले पथरी था जब पेट में दर्द होता था, वैसे ही पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लग गया पूरा नाभि के नीचे। और अभी 2-3 दिन के बाद सोनोग्राफी कराएंगे, फिर पता चलेगा, देखते हैं क्या हुआ है चांदनी को। बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन के बाद से 2-3 बार ऐसा दर्द होने लग जा रहा है। एक एक महीना, 1.5 महीना पे दर्द उठता है बहुत तेज़ी से। और आज भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था चांदनी का, दोपहर से दर्द पूरा हालत ख़राब कर दिया है। और अभी तो आराम है, थोड़ा दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, पूरा बर्दाश्त से बाहर हो गया था, पूरा एकदम से हालत ख़राब कर दिया रो रो के। अब फिर से 2-3 दिन के बाद सोनोग्राफी कराएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी ज़रूर देखना हमारा वीडियो, देखते हैं चांदनी को क्या होता है। इस बार बहुत ही परेशान हो गई, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, पथरी हुआ, पथरी का ऑपरेशन कराया, अभी 5-6 महीना हो रहा है, उसके बाद से फिर अभी चालू हो गया। 2-3 महीना से बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होने लग जाता है एक एक महीना पे। क्या हुआ, लेती रहो ना, नहीं बैठ पा रही हो तो। हाँ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है दोस्तों, बहुत ही परेशानी में रहती है चांदनी, लेकिन क्या करें। मैं भी कितना परेशान होता हूँ, तबीयत ख़राब हो जाता है तो। काम पे था, आ नहीं पाया, दोपहर से लेके पूरा शाम को 5-6 बजे तक पूरा दर्द के मारे हालत ख़राब था। और अभी आया, 9 बजे आया, उसके बाद फिर कपड़ा धो रही थी, 1 बाल्टी कपड़ा धोया, उसके बाद फिर नहाई, नहा के अभी बैठी है, देखते हैं। अभी दवा लेके आया हूँ, और तो दवा पहले का था, लेकिन पहले का दवा नहीं खिलाना है, अलग दर्द हो रहा है तो वो दवा खिलाना है। पहले का दवा तो सब अलग दवा है, ऑपरेशन हुआ था उसका, कटा पीटा का टाँका वोका का है ना, और ये दर्द का दवा है, दर्द का दवा बता के लेके आया हूँ। अभी 1-2 दिन के बाद फिर से सोनोग्राफी कराऊंगा, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है चांदनी का। अरे कुछ नहीं कराऊंगा, कितना कराओगे? अरे फिर भी अल्ट्रासाउंड होगा सोनोग्राफी के बाद, तब पता चलेगा ना कि हाँ मतलब क्यों दर्द हो रहा है, क्या हुआ है। फिर कुछ होगा, फिर करोगे, फिर ऐसे करते ही रहोगे जिंदगी भर? कुछ नहीं होगा, तुम पहले क्यों सोच ले रही हो कि मतलब कुछ नहीं कराऊ, कुछ नहीं हुआ मेरा, थोड़ा बहुत दर्द नहीं हुआ, लेटो तुम। हाँ अभी देखो, अभी थोड़ा सही हो गई है, बोल रहा हूँ इलाज कराने के लिए, तो गुस्सा हो रही है, कुछ नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है? थोड़ा दर्द हुआ है तो मतलब कुछ नहीं कराना है, एक ही बार हुआ है क्या? कितना बार दर्द हो गया ऑपरेशन के बाद से कम 3-4 बार ऐसा दर्द हो रहा है, 3-4 बार हो गया। तो होगा, इलाज कराओगे तो भी होगा, मरने का टाइम आ रहा है तो क्या? मरने का टाइम नहीं आ रहा है तुमको, इतना जल्दी मरने थोड़ी दूंगा, तुमको क्या लगता है तुमको मरने दूंगा? इतना जल्दी मरने नहीं दूंगा तुमको। हाँ ऐसे ही हंसती रहोगी ना तो कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे शरीर में जान है ना, तब तक तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जान दे दूंगा। पता है कितना करोगे बोलो? अरे जो कर पाऊंगा करूंगा, मेहनत कर रहा हूँ ना, किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कर पाऊँ, तुमको दिक्कत है, तुमको दिक्कत से ना बचाऊँ तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या? इतना महंगाई है, इतना प्रॉब्लम रहता है, फिर भी मैं हर तरह से करके करने के लिए बोलता हूँ ना कि हाँ करूँगा। हाँ तो करते ही हो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ तो फिर करते ही हो, लेकिन मैं थक चुकी हूँ दवा करा करा कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। जब मैं नहीं थक रहा हूँ तो तुम क्यों थक जा रही हो? मेरे को अच्छा नहीं लगता जी, मेरे वजह से हमेशा तुम मेहनत कर कर के सब दवा में ही लगा दो। कुछ नहीं होता है, सब सही हो जाएगा, कुछ आगे जिंदगी नहीं है बच्चे का तुम्हारा। मेरा जिंदगी क्या है? मेरा जिंदगी तो तुम ही हो, तुम ही तो मेरा जिंदगी हो, तुम और मेरा बेटा,
तुम्हारे लिए ही तो मेरा जीवन तुमको नहीं बोल पाऊंगी समझा पाऊंगी यार। मेरे को कुछ नहीं समझाने का जरूरत ही नहीं है, तुम बस मैं जो बोलूं वो करना, इसीलिए तो बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन 24 घंटा फोन और फोन आता रहेगा। तुम बताना नहीं चाहती हो, हाँ दर्द होगा, तकलीफ होगा, तबीयत खराब होगा तो बताओगी नहीं, हाँ बताना भी नहीं चाहती है, कुछ होगा तो बताना भी नहीं चाहती है, बताओगी नहीं तो क्या मेरे को पता नहीं चलेगा देख के क्या हालत रहता है तुम्हारा? कैसे पता चलेगा? अच्छा कैसे पता चलेगा, और जब मैं आया तब हालत ख़राब था, तुमको देख के मेरे को पता नहीं चला? चुपचाप कपड़ा धो रही थी, जब तुमको बोला मना किया तब क्यों हंस रही थी? हाँ तबीयत खराब है तो भी एक बाल्टी कपड़ा पूरा एकदम बाथरूम में देख रहा हूँ पूरा छप छाप करके। हाँ तो तुम इतना गर्मी में काम करके आओगे? अरे तुम्हें काम करके आऊँगा तो मैं तो काम करूँगा ही, मैं तो काम करने के लिए तो है हूँ, मेरे को काम करने से थोड़ी फर्क पड़ता है। तुम्हारा कुछ हो जाएगा तो फिर हमारा, अरे मेरे को कुछ नहीं, सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा तब मैं कहाँ क्या करूँगी, कुछ कर पाऊंगी? मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं ही धो लूं भले दर्द हो जाए। जब तक तुम मेरे साथ हो ना मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता। बोलो मेरे को कभी होता है कुछ? देखती हो ना मैं एकदम हमेशा टकाटक रहता हूँ। क्या मैं तो यही चाहती हूँ कुछ ना, कुछ नहीं होगा मुझे, मेरे ऊपर ऐसा लोक का मेरे सर पे हाथ है ना, मेरे को इतना जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को कुछ होने के लिए सोचने वालों को हो जाएगा। किसका हाथ? लेकिन मेरे को कुछ नहीं होगा। हाँ किसका हाथ है? मेरे सर पे मेरे को पैदा करने वाले का हाथ है, चाहे किसी का हाथ रहे चाहे न, भगवान को तो मैं मानता नहीं हूँ, वो तो तुमको भी पता है, मानता तो फिर और भी कुछ नहीं हो पाता। माँ बाप ही भगवान है तो भगवान को क्या बोलूं? तो फिर चलो, तो अभी भूख लग गई है, खाना भी नहीं खाई है दिन में चांदनी, पूरा दिन खाली, दोपहर तक, दोपहर के बाद दर्द चालू हो गया, उसके बाद से फिर कुछ नहीं किया, ना तो खाना खाया, शाम हुआ थोड़ा तबीयत सही हुआ, तुरंत कपड़ा धोना चालू कर दिया। कपड़ा धोना ज़रूरी था? कल धो लेती तबीयत ठीक रहता तो दिन में, हाँ कल फिर धो लूँगी ना। कल फिर धो लोगे अलग कपड़ा? चलो जो अलमारी में है आज साफ कपड़ा वो भी कल फुला देना, कपड़ा धो आराम से। तो अभी दवा लेके आया हूँ, आज दवा लेके आया हूँ, चांदनी दवा खाया है थोड़ा, और अभी सोने टाइम पे फिर से एक टेबलेट खाएगी, एक दो दिन के बाद अल्ट्रासाउंड कराऊंगा, अल्ट्रासाउंड एक्सरे भी करवाऊंगा, जैसे दर्द होता है पीठ में भी, और अगर हो जाएगा अच्छा सही रहेगा तो अच्छा है, अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो देखेंगे क्या करते हैं। दो तीन दिन के बाद कराऊंगा सोनोग्राफी। क्या सोच रही हो तुम? हाँ कुछ नहीं, हाँ ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो अच्छा रहेगा, दर्द तकलीफ ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। तो दोस्तों अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराने के बाद देखते हैं क्या होता है, और आप लोग प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताएंगे और दिखाएंगे, रिपोर्ट निकलवाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। और चांदनी को देख सकते हैं कितना सुंदर है मेरी जाने मन, लेकिन इतना तकलीफ़ होता है, इतना दिक्कत हो जाता है, क्या बताऊं। अभी 5 महीना पहले इतना बड़ा ऑपरेशन कराया, इतना तकलीफ़ झेला, उसके बावजूद भी अभी इतना दिक्कत होता है, क्या बताएं। पता नहीं कितना दर्द दिया है चांदनी को भगवान, भगवान पाप किया? कुछ पाप नहीं की हो, कुछ नहीं पाप की हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।